हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूवी डिज़ाइनर। दोस्तों, आज मैं आपको जो चीज़ दिखाने जा रहा हूँ, सिखाने जा रहा हूँ, वो आपको मुझे पता लगभग बहुत से लोगों को पता नहीं होती है कि हमें जो हमारे आस्तीन है उसका मुड्ढा कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों, हम आज इस वीडियो में हर तरह की साइज़ की आस्तीन उसका मुड्ढा कैसे निकाला जाता है वो सब बताएँगे आपको। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको मान लो कोई सी साइज़ की आस्तीन चाहिए, पहले हम सबसे पहले छोटी आस्तीन के लिए रखेंगे, लगभग हमारी आस्तीन की लंबाई रखेंगे हम 3 इंच। एक बार के लिए मान लो 3 इंच हो या 3.5 इंच हो या 4 इंच तक लास्ट। तो दोस्तों, अगर हमारी आस्तीन की लंबाई अगर 3 इंच है तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ से 3.5 इंच पर यह निशान लगाना है। दोस्तों, ये निशान मैंने 3.5 इंच पे इसलिए लगाया है क्योंकि जो हमारे आस्तीन में आधा इंच दबेगा यहाँ पे ऊपर की तरफ, और जो हमें तुरपाई के लिए नीचे रखना है वो हमें एक्स्ट्रा रखना है। पहले हमें 3.5 इंच पे ऐसे 2 निशान लगाने हैं, फिर इन निशानों को हमें सीधा करना है। अब दोस्तों, मान लो आप यहाँ पे तुरपाई में या पाइपिंग लगाओ, जो भी है आपकी हिसाब से, आधा इंच रखो या 1.5 इंच रखो या आप अपने हिसाब से रख सकते हो, तो इसको हमें एक बार छोड़ देना है। अब दोस्तों, हमें देखना है हमारे जो आस्तीन की मोरी की मोटाई है वो कितनी है। अगर मान लो जो हमारे आस्तीन की मोरी की मोटाई वो 6 इंच है, मान के चलो आप अगर 6 इंच है तो हमें यहाँ से 6 इंच पर निशान लगाना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, हमें यहाँ पे लंबाई में लगाना है। तो दोस्तों, हमें यहाँ से लगाना है 2 इंच पे निशान। ये 2 इंच पे निशान हमें एक अंदाजे से लगाना है, ये छोटी आस्तीन के लिए है। अगर आपकी आस्तीन बड़ी है तो हम उसमें ज़्यादा लगाएंगे। पहले हम छोटी आस्तीन के लिए देखेंगे कि इसमें निशान कितना लगाया जाता है। दोस्तों, ये हमारे 2 इंच पे निशान लगा लिए है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमारी जो इसकी लंबाई 6 इंच है तो हमें यहाँ पे इसको 1 इंच बढ़ाना है, 7 इंच पे निशान लगाना है, फिर इसको यहाँ पे ऐसे सीधा करना है, और ये जो हमारा 1.5 इंच का मार्जिन है ये देना है। उसके बाद क्या करना है, ये हमारी छोटी आस्तीन है तो हमें यहाँ पे 2.5 इंच पे इसको ऐसे निशान लगाना है, और इसको ऐसे तिरछा करना है। अब दोस्तों, हमें क्या करना है, यहाँ से हमें इसमें शेप देना है ऐसे गोल राउंड में, और इसकी कटिंग करनी है। दोस्तों, इसकी कटिंग करने के बाद में हमें क्या करना है, यहाँ से हमें 1.25 इंच का इसमें अंदर की तरफ शेप देना है, और ये हमें शेप कैसे देना है, यहाँ से लगभग 1 इंच रखना है। उसके बाद जैसे हमने ये शेप दिया था उसी तरह से हमें ये देना है, ऐसे ऐसे और ये हमें यहाँ पे तो हमने आगे मिलाया था, इसको हमें यहीं पे पूरा कर देना है। दोस्तों, आप देख सकते हो मैंने मार्किंग की है इसे आस्तीन की, मैं आपको कटिंग करके दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसकी कटिंग कर दी है, यहाँ पे हमें बीच में निशान लगाना है, ये देखिए। अब ये दोस्तों, ये तो मैंने छोटी आस्तीन के लिए कटिंग की है, इसमें हमारी जो 3 इंच की आस्तीन बनेगी। अगर मान लो आपकी आस्तीन बड़ी है, आपकी आस्तीन की लंबाई मान लो 3-4 आस्तीन है, 13 इंच, 14 इंच, 10 इंच जितनी भी हो मान लो, तो उसकी कटिंग कैसे की जाती है। तो दोस्तों, मैं आपको एक अलग पेपर पे इसकी कटिंग बताऊंगा। ये मैंने एक डबल फोल्ड में पेपर लिया है, पहले इसको ऐसे सीधा करना है यहाँ से। इसका मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा दोस्तों, उस फॉर्मूले के हिसाब से अगर आप कटिंग करोगे आस्तीन की तो 100% आपकी आस्तीन है एकदम परफेक्ट बॉडी के मेजरमेंट के हिसाब से एकदम परफेक्ट बैठेगी।
हमें क्या करना क्या है, पहले हमें एक निशान लगाना है यहाँ पे, उसके बाद देखना हमें हमारे आसन की लंबाई कितनी है। मान के चलो हमारे आसन की लंबाई अगर आप 3-4 रखते हो तो 10-11 इंच हो जाती है, अगर आप बड़ी रखते हो तो चलो हम मान लेते हैं इसकी लंबाई 14 इंच है। अंदाज से रखनी है हमें एक लंबाई, उसके बाद हमें 14 इंच है तो यहाँ पे आधा इंच प्लस कर देना है, तो हमें 14.5 इंच पे निशान लगाना है। दोस्तों ये 14.5 इंच पे निशान मैंने लगाए हैं। उसके बाद आपको अगर तुरपाई रखनी है तो यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ दीजिए, तुरपाई नहीं रखनी है, पाइपिंग लगानी है तो यहाँ पे आधा इंच का, आधा इंच से कम जितना आप चाहो उतना। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ से देखना है कि हमारी जो आस्तीन की मोटाई है मोहरी की वो कितनी है। तो मान के चलते हैं यहाँ से हमारी, मान लीजिए ये 10 इंच है तो हमने यहाँ पे 5 इंच पे निशान लगा दिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, ये हमारी बड़ी आस्तीन है तो हम जो छोटी आस्तीन में तो दोस्तों हमने यहाँ पे 2 इंच का निशान लगाया था, तो हमारी बड़ी आस्तीन है तो इसमें हमें लगभग 3 इंच का निशान लगाना है। 3 इंच से कम नहीं रखना ये निशान, अगर आप 3 इंच से कम रखोगे तो हमारी आस्तीन है जो ऊपर से ऐसे खींची जाएगी, तो हमें यहाँ पे 3 इंच का निशान लगाना है। उसके बाद देखना है हमें हमारा चेस्ट। दोस्तों हम मान लेते हैं एक बार हमारा चेस्ट है जो 36 इंच है, 36, तो हमें क्या करना है, पहले 36 में हमें भाग 6 देना है, ठीक है। तो हम 36 में 6 भाग देते हैं तो हमारा आ जाता है 6 इंच, तो हमें क्या करना है उसमें प्लस 1 कर देना है। ये एक फॉर्मूला है दोस्तों, अगर आप इस फॉर्मूले के हिसाब से आस्तीन की कटिंग करते हो बढ़िया आस्तीन की, तो आप मान के चलो 100% आपकी आस्तीन है एकदम परफेक्ट फिटिंग बैठेगी, ना तो ये लूज़ रहेगी ना टाइट रहेगी। तो हमें करना क्या है, यहाँ से 7 इंच पर निशान लगाना है। दोस्तों ये 7 इंच में निशान लगा दिया हमने, अब इसको हमें ऐसे मिला देना है दोनों को। उसके बाद हमें जितना यहाँ पे मार्जिन छोड़ना है, ऐसे। अब हमें ये बड़ी आस्तीन है तो यहाँ पे हमें 3.75 इंच पे निशान लगाना है एक। उसके बाद इसको ऐसे तिरछा करना है, और यहाँ से इसको ऐसे करना है। इसमें हमें यहाँ पे शेप देना है। अब वही बात, हमें यहाँ से 1.25 रखना है, और अगर आप मान लो आपके जो मान लो आपका सूट है या ब्लाउज जो भी है उसमें यहाँ पे आगे की तरफ ज़्यादा फूका पड़ता हो तो आप यहाँ से हमें 1 इंच का भी खड्डा दे सकते हैं, वैसे नॉर्मल हम 1.25 का रखते हैं इसको। तो यहाँ से हमें ऐसे 1.25 में इसे शेप देना है ऐसे। उसके बाद इसकी कटिंग करनी है। दोस्तों ये तो है हमारा आस्तीन का, आस्तीन कटिंग का फर्स्ट पार्ट। इसमें हमने ये मुड्डा है जो निकाल लिया है कि मुड्डा कैसे निकाला जाता है। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये आस्तीन तो हमने काट ली, लेकिन हमें आगे का या पीछे का पार्ट्स है जो ब्लाउज का या सूट का वो कैसे काटते हैं, तो मैं अगले पार्ट्स में आपको बताऊँगा। हमारा अगला पार्ट है उसमें दिखाऊँगा आपको कि आस्तीन में मुड्डा कैसे निकाला जाता है, उसके साथ में हमें शोल्डर भी निकालना है तो शोल्डर कैसे निकाला जाता है, तो आपको देखना हमारा अगला पार्ट। उसमें मैं आपको अच्छी तरीके से बताऊंगा कि शोल्डर और आस्तीन का मुड्डा है जो कैसे निकाला जाता है। दोस्तों हमें इसकी कटिंग करनी है। दोस्तों आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि मैंने यहाँ पे इसको ऐसे क्यों रखा है, ये मैंने इसलिए रखा है ताकि मान लो हम सूट की फिटिंग करते हैं तो फिटिंग के टाइम क्या हमारा जो कपड़ा है वो यहाँ से खींचता है, तो अगर मान लो हमने इसको इसे सीधा रख दिया तो यहाँ से ये कम हो जाएगा आधा इंच,
तो जो हमारा सूट है वो खींचेगा, तो मैंने इसको ऐसे थोड़ा तिरछा करना है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और आप इस वीडियो के माध्यम से चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना।